Hello students, a very good evening to all of you. I am Malika Sethi, your science educator for class 9th and 10th. तो हमारा चल रहा है class 10 का first chapter chemical reactions and equations, जो कि मैंने आपको balancing of chemical equation तक करा दिया है. आज हम करने वाले हैं types of chemical reactions deeply. टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस नंबर ऑफ फाइव होती है, वो मैंने आपको करवा दिया. देखो, उसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ अनअकैडमी के बारे में बताना चाहती हूँ. यू नो अबाउट अनअकैडमी. अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट लर्निंग ऐप इन इंडिया नाउ. तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके फोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है तो पहले आप डाउनलोड कर लें. उसके बाद आप उसमें प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं. और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं और मेरा ये कोड यूज करते हैं MASE, तो आपको और भी फायदा होगा, 10% ऑफ मिलेगा. देन हम करने वाले हैं अभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, एक मैंने आपको बैलेंसिंग करने के लिए बोला था कि आप नंबर ऑफ 10 इक्वेशंस जो है वो बैलेंस करो. जो नहीं आएगी तो मैं आपको करवाऊंगी. अभी तक तो आपने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया है कि आपसे कौन सी सॉल्व हुई है, कौन सी नहीं हुई है. बट डोंट वरी, आज का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे वन बाय वन. सो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. मैंने आपको लर्न करवाई थी फाइव नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस की हम कोई चीज को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं. कंबाइन किया तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी. फिर हमने उसको ब्रेक कर दिया, देन डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी. फिर मैंने इसको इसकी जगह चेंज कर दी, इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो मेरे पास अगर एक चीज और है, सपोज मेरे पास ये भी है, तो हमने क्या किया, इनको तीनों में से ही डिस्प्लेस कर दिया. एक जगह को, इसकी जगह पे माउस आ गया, पेन की जगह पे ये, तो जगह चेंज कर दी, प्लेस चेंज हो गया, देन नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. टू टाइम्स दोनों जगह से चेंज हुआ है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फिर हमने इन सबको कहा जाओ भाड़ में जाओ, जला दिया उसको हमने, तो कंबशन रिएक्शन हो गया. तो फाइव टाइप की रिएक्शंस मैंने आपको थोड़ा सा ट्रिक वाइज जो है वो लर्न करवाई थी. तो पहले तो आपको देखो, अगर आपको नेम याद होगा ना कि हमें कौन कौन सी रिएक्शन करनी है, तो आपको रिएक्शंस भी इजीली लर्न हो जाएंगी. कई बार क्या होता है, हमें रिएक्शन याद होती है पर नेम नहीं पता होता कि क्या कौन सा नेम है. तो सबसे फर्स्ट आपका जो काम है वो ये है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन कंबशन. ये फाइव टाइप की रिएक्शंस आज हम करने वाले हैं कि इनमें कौन कौन सी रिएक्शंस आती हैं, व्हाट इज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज डीकम्पोजिशन. सो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बी मींस कंबाइन होना. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर देन रिएक्टेंट फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट. कंबाइन हो रहे हैं, टू है, थ्री है, जितने भी रिएक्टेंट हैं वो सब मिलके प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, सिंगल बनाएंगे. आप अपने स्क्रीन पे देखिए कि आपके पास क्या है, ए एंड बी टू रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन हो रही हैं. कंबाइन होके क्या बना रही हैं, ए और बी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं. कंबाइन होना है चाहे टू रिएक्टेंट हो और थ्री हो, फोर हो, बट जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो सिंगल बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा. दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कि जब हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट बनता है बट रिएक्टेंट्स क्या है, टू और मोर देन रिएक्टेंट्स है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन कि आपको पता होना चाहिए कि टू और मोर देन रिएक्टेंट्स है, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स है, तो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा. तो देखो, रिएक्शन जो कि आपको लर्न भी करनी है, आपको समझनी भी है. ठीक है, समझ के करोगे तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे क्रैम करने से रिएक्शंस लर्न नहीं होती हैं. तो देखो, फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कि अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ. रिएक्टेंट कितने हैं हमारे पास, टू है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और क्या है हमारे पास, H2O है. कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं. इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर हम भी अपने एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं भी आपसे पूछूंगी कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. तो आपको ये पता होना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं. क्विक लाइम को जब हम वॉटर के साथ एड करते हैं तो उसमें विग्रसली एक रिएक्शन होती है और हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट मिलता है. और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसे हम स्लैग लाइम भी बोलते हैं. तो आपके इसमें अभी थ्री पॉइंट्स आ गए जो कि आपको अच्छे से लर्न करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट.
इम्पोर्टेंट है. व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड? क्विक लाइम. कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है? स्लेट लाइम. अब ये रिएक्शन तो देखो आपको, वैसे मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो हम इसको इस फॉर्म में लर्न कर सकते हैं. एक तरीका बताऊं अगर मैं आपको याद करने का तो ये होगा, देखो H2O के साथ अगर हम CaO की रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है हमें प्रोडक्ट थोड़ा सा मुश्किल होते हैं कि हम कैसे याद करें, तो ऐसा कुछ है नहीं, एग्जैक्टली नहीं होता, बट आपको मैं समझाने के लिए बता देती हूँ. देखो कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वाटर जो है वो ब्रेक डाउन होके H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो गया अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं तो. अब ये वाला H पॉजिटिव किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा. तो देखो कितने हो गए, अगर इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये हो जाएगा OH और ये हो गया OH, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 पॉजिटिव है. तो अब क्या होगा? CaOH हमारे पास 2 टाइम्स है ना OH, तो हमने क्या कर दिया? OH ट्वाइस कर दिया. तो ये रिएक्शन को एक लर्न करने का फॉर्मूला होता है. आपको क्रैम नहीं करना है CaO प्लस H2O, ऐसे ऐसे बच्चे बहुत याद करते हैं. हम लोग भी शायद ऐसे करते थे जब हमें वो नहीं पता था, बेसिक क्लियर नहीं था. तो आपने ऐसे नहीं करना है, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है. कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO. जब हम वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं देन वाटर किसमें ब्रेक होता है? H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में. इस O के ऊपर क्या है? 2 नेगेटिव है. ये इस H पॉजिटिव के साथ जब रिएक्शन करता है तो एक नेगेटिव रह जाता है, या आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं कि ये इसने OH बना दिया और ये OH है, तो 2 OH है, तो ये क्या बना रहे हैं? स्लेट लाइम बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं. तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे हुई बताओ, जल्दी से जल्दी कमेंट में बताओ, बिकॉज हमें वन प्रोडक्ट मिला है, सिंगल प्रोडक्ट मिला है हमें. CaO और H2O 2 रिएक्टेंट से हमें क्या मिला है? एक सिंगल प्रोडक्ट मिला है. ये हो गई आपको क्लियर. देन हम करते हैं बर्निंग ऑफ कोल. किसी भी चीज को बर्न करने के लिए, जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है. विदाउट ऑक्सीजन कोई चीज बर्न नहीं हो सकती. तो कोल इज कॉक, कोक कोक इज कार्बन. कार्बन को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही, बर्निंग आप किसी चीज की दिखाओगे तो आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखाओगे. तो कार्बन प्लस में ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना रहा है? CO2. ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, डेली लाइफ में यूज होती है. तो CO2 क्या बना रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है. तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी. देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2. 2H2O O2 क्या बना रहा है? 2H2O वाटर बना रहा है. ये भी सबको पता है, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं. तो इसमें भी हमें क्या मिल रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है. देन बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. अब देखो आपके पास आया बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. अब आपके पास अगर क्वेश्चन में भी ऐसे आ जाते तो आपको पता ही नहीं है व्हाट इज नेचुरल गैस, तो आप कैसे लिखोगे? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए. ये एक MCQ क्वेश्चन इसके बीच में आ गया कि CH4 मीथेन इज नेचुरल गैस. ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, अगर आप इन फ्यूचर 10th के बाद आप कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में तो जाएंगे ना, कॉम्पिटिशन्स में आपके आपसे इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ बेसिक नहीं पूछा जाता. यही होता है कि आपने एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ा है कि ये क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चन बन रहा है, ये तो बहुत कॉमन से हैं, बट क्वेश्चनिंग जो भी होती है ना, जो MCQ क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही आते हैं बिल्कुल लाइन के बीच में से पकड़ के. अब देखो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस आपको पता है, आप नीचे की रिएक्शन नहीं देखो स्क्रीन पे, आप ये देखो नेचुरल गैस जो होती है वो CH4 होती है. बर्निंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. और जब भी आपस में बर्न करते हैं या कोई भी चीज बर्न करती है तो हमें ऑलवेज क्या मिलता है? CO2 मिलता है, H2O मिलता है, हीट एंड लाइट मिलती है. घर पे भी हम अगर देखा होगा आपने, अगर आपने देखा है कि हम लकड़ियों को जलाते हैं, वुडन को बर्न करते हैं, तो हमारे को क्या मिलता है? धुआं भी होता है. और लकड़ी के पीछे आप देखोगे थोड़ा थोड़ा से पानी निकलता है, अगर किसी ने देखा है तो, वुडन को जलते हुए तो पीछे हल्का हल्का पानी भी होता है. हीट हमें मिलती है, उनके पास बैठो आपको हीट मिलेगी, लाइट मिलेगी, लाइट तो होगी अगर आग जल रही है. तो इसमें जो है ना हमारा जो मेन प्रोडक्ट होगा वो ये CO2. अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट आ गए, बट किस चीज को बर्न करने पे वाटर जो हमें एज ए प्रोडक्ट नहीं मिलता,
ये एज ए बाय प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट है, जो कि हमारा यूजफुल नहीं है. मेन हमें क्या मिल रही है, CO2 मिल रही है. तो टू हमारे पास रिएक्टेंट्स है, सिंगल हमें प्रोडक्ट मिल रहा है. दैट्स व्हाई बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. हो गए ये आपके पास फोर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. अब आपसे पूछा जाए कि इज रेस्पिरेशन इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन और नॉट. रेस्पिरेशन जो कि हमारे बॉडी के अंदर हो रही है, क्या वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं है? तो यस, रेस्पिरेशन इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देखो कैसे है, जो भी हम खाना खाते हैं, ईटिंग फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज इन आवर एट द प्रोसेस टाइम डाइजेशन. जब डाइजेशन होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ अवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी. हम क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं एंड ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलती है. हमारे लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो हमारे ग्लूकोज के पास जाती है एंड द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6. ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो एनर्जी मिलती है, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज जो मेन प्रोडक्ट मिल रहा है गैसेस के फॉर्म में वो है CO2. तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि रेस्पिरेशन जो है वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो क्यों है, आप हमारे को उसको एक रिएक्शन के थ्रू बताओ. तो आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ बताना पड़ेगा कि हम कार्बोहाइड्रेट्स ईट करते हैं जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डाइजेशन. एंड दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, H2O एंड एनर्जी. एंड द मेन प्रोडक्ट इज CO2 क्योंकि हम एक्सहेल कर रहे हैं CO2. वाटर हमारी बॉडी से ड्रेन आउट हो जाता है, रिमूव हो जाता है एज ए वेस्टेज. एनर्जी हम यूज कर लेते हैं. तो जो ये हमारा CO2 है वो क्या है, बाय प्रोडक्ट है. हमारा जो है प्रोडक्ट है, ये बोल सकते हैं प्रोडक्ट है. तो ये क्या हो गए, हमारे सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल हो गए. जो कि मैं आपको दोबारा से देखो, अभी आपको ये याद कैसे होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने कर ली कि हमारे पास टू और थ्री रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा. रिएक्शन कैसे याद करनी है, सबसे पहले हमने रिएक्शन कौन सी की थी, CaO वाली. CaO प्लस में हमने वाटर ऐड किया, CaOH ट्वाइस मिला. फिर हमने क्या किया, कोक को बर्न किया, C प्लस में O2 CO2 मिला. फिर हमने वाटर बनाया, H2 प्लस में O2 वाटर मिला. फिर हमने क्या किया, रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन की. एक चीज और थी, हाँ, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस किया. तो ये जैसे आपने कर लिया ना, उसके बाद अपना स्टॉप कर दो वीडियो, आप स्टॉप कर सकते हो या जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो तो आपको ऐसे ही याद करना है. अपना कॉपी पेन लो, आप उसको फ्री उसमें क्या करो, सबसे पहले ऐसे रफली लिखो कि जो हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो ये होती है. फिर आप ये देखो कि हमारे पास फोर एग्जाम्पल्स हैं, उसको आप राइट डाउन करो, अपने आप लिखो. चाहे आप एक दिन में एक ही रिएक्शन करो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करो, एक साथ इतनी सारी मत करो, बट जो कर रहे हो उसको अच्छे से लर्न करके उसको अपनी कॉपी पे अपने आप बिना कहीं से देखे उसको राइट डाउन करके देखो. अगर आप कर लेते हो तो आपको पक्का याद हो जाएगा. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद नहीं हो. और एक चीज और, आई एम श्योर अगर आप मेरे कहने पे एक बार ऐसे करोगे कि आपने लिख के देख लिया, चेक कर लिया, आपके ठीक है, आपका चाहे एग्जाम है चाहे आपके टेस्ट है, आप नहीं भूलोगे. आपको दोबारा से करने की जरूरत नहीं होगी. ये देख लेना, आप अजमा के देख लो. देखो नेक्स्ट करते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन. इट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. एंड एक क्वेश्चन आता है कि क्या डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट है या नहीं है. यस, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो डीकम्पोज का मीनिंग ही ब्रेक होना होता है. क्या हो रही है, कोई चीज ब्रेक हो रही है, डीकम्पोज हो रही है. तो क्या है, उसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास सिंगल टू और मोर देन टू रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट मिलना था. इसके अंदर जस्ट अपोजिट है, हमने क्या करा है, इसमें हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट है बट वो ब्रेक होके क्या कर रहा है, मोर देन वन और टू प्रोडक्ट दे रहा है. एक चीज इसमें मैं आपको और बताना चाहूंगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है. कौन सी रिएक्शन होगी,
एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मीन्स होता है अंदर हीट देना, मीन्स हमें जो है डीकम्पोज करने के लिए हीट देनी पड़ती है। बट आप एक चीज देखो, हमने ये वाली रिएक्शन की है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ भी हमारे को एनर्जी मिली है, यहाँ भी मैंने आपको बोला कि हमारे पास नेचुरल गैस है तो CO2 मिलेगी, लाइट मिलेगी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बता भी पूछ भी सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होगी, तो आप रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम इसको बोलेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि किसी चीज को जब आप कंबाइन करते हैं, बर्न करते हैं, तो आपको हीट मिलेगी, मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। और अगर हमें किसी चीज को ब्रेक करना है, ठीक है, किसी भी चीज को हम ब्रेक करना है, चाहे हम फिजिकली हमारे घर की कोई चीज को भी देखो, तो हमारे को एनर्जी देनी पड़ती है तोड़ने के लिए, उसको मैं करना पड़ेगा, इसको भी मुझे अगर तोड़ना है ना तो मुझे जोर लगाना पड़ेगा, तो वो क्या है, एनर्जी दे रहे हैं हम। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन, हमें हीट, एनर्जी, लाइट, कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। डीकम्पोज होना, ब्रेक होना, जिसमें कि एक सिंगल रिएक्टेंट मोर देन वन और टू प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाता है, मोर देन टू थ्री जितने भी हो सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें मिलेगा। लाइक देखो, NaCl है, NaCl ब्रेक होके क्या बना दिया, Cl बना दिया, Na बना दिया। या Ab का एग्जांपल है कि Ab ब्रेक डाउन होके क्या बना रहे हैं, A और B बना रहे हैं। तो डीकम्पोजिशन एक्शन ब्रेक होना होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट से वन और टू प्रोडक्ट बनते हैं, जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो, हमने बोला ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बट जो हम हीट दे रहे हैं वो किस फॉर्म में हीट मिल रही है उनको, थ्री टाइप की हीट उसे मिलेगी, जिससे कि वो ब्रेक डाउन होगा रिएक्टेंट और हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, थर्मोलिसिस, थर्मो मीन्स होता है हीट, हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट वन इज फोटोलिसिस, फोटोलिसिस फोटोन की फॉर्म में, फोटोन लाइक सनलाइट हो गए, तो फोटोन की फॉर्म में। तो ये थ्री टाइप की एनर्जी से क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन हो सकता है, डीकम्पोजिशन हो सकता है। अब इसमें आपसे जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो पूछा जा सकता है कि बताओ कि थर्मोलिसिस रिएक्शंस कौन सी हैं या फोटोलिसिस रिएक्शन कौन सी हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं थर्मोलिसिस रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस जो हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होती है, लाइक FeSO4, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम हीट देते हैं तो ये फेरस ऑक्साइड, SO2, SO3, इन तीनों में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। रिएक्शंस आपको लर्न करनी पड़ेगी, इन रिएक्शंस को कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, इसको सिर्फ आप अपनी मतलब समझ के कर सकते हो कि हाँ ये ऐसे हो रही है। आप इसको जस्ट एक ये बोल सकते हो कि हाँ आपको ऐसे पता होना चाहिए कि फेरस सल्फेट को जब हमने क्या किया, बर्न किया, हीट किया, तो हमें Fe2O3 मिल गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास कितने रह गए, S2 रह गए और O8 रह गए। अब S2O8 को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, तो आप इस टाइप से मैनेज करोगे, एक तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी, एक हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगी, ठीक है। ये बैलेंस इक्वेशन है, इसमें सारे के सारे एटम जो है वो बैलेंस है। मींस आप लिखोगे ना जब अपने आप, जितनी भी रिएक्शन से मैं बारी बारी आपको एक ही बात बोल रही हूँ कि अगर आप ये फर्स्ट चैप्टर लिख के नहीं करेंगे, लर्न करने के बाद अपने आप से नहीं लिख के देखेंगे, हाथ नहीं चलाएंगे, पेन नहीं चलाएंगे, तो ये नहीं होगा। आप 2 टाइम कर लो, 3 टाइम कर लो, नहीं होगी लर्न। पर 2 या 3 बार करने से अच्छा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आप एक ही बार करो पर उसको लिख के देखो, फिर आप चेक करो कि, क्योंकि लिखने से अपने ब्रेन को ज्यादा उसमें जाता है लिखने के बाद, और आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि हाँ ये रिएक्शन ऐसे हुई है, SO2 होगा, SO3 होगा। 2 या 3 टाइम करने से जगह एक ही बार करो, पर बहुत अच्छे से करो। नेक्स्ट है हमारे पास देखो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करने पे क्या होता है। बहुत इजी है, शुरू से 9 से 8 से करते आ रहे हो। कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा एंड हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगी, गैस मिलेगी। CaO का बताओ मुझे, अब कमेंट सेशन में बताओ कि CaO का कॉमन नेम क्या है, क्योंकि मैंने अभी आपको लास्ट में जो हमने अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन किया उसमें मैंने करवाया था, तो मुझे ये अभी के अभी आप कमेंट सेशन में बताओ कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड।
नेक्स्ट है हमारे पास PbNO3 लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट देते हैं तो हमें लेड ऑक्साइड मिलता है, NO2 गैस मिलती है और O2 गैस मिलती है। देखो ये वाले दोनों रिएक्शंस मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यूज होती है। ये वाली आप ज्यादा अच्छे से नहीं भी करोगे तो ये एग्जाम्स में नहीं आती है, बहुत कम यूजफुल है, ये इतनी ज्यादा आपसे नहीं पूछी जाती है। पता होना चाहिए कि लेड नाइट्रेट जो है, देखो सिंपल बात है, आप अगर आप अपने माइंड में देखो ना, ये देखो जब भी आपके पास अगर SO4 है तो ये ब्रेक डाउन होके, आपको वैसे जनरली बताती हूँ, SO4 की अगर कभी भी आप हीट करोगे ना, ये हमें SO2 देगी या SO3 देगा, ठीक है। अगर आप NO3 को हीट देंगे कोई भी प्रोडक्ट को, तो ये हमें NO2 और O2 मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। अगर आप CO3 को करते हो तो आपको CO2 प्लस में O2 ऐसा ही कुछ मिलेगा, CO2 ही मिलता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कहीं और रिएक्शन। तो यहां से आपको देखो ये तो हिंट मिल गया कि हमारे पास जो है वो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको जो याद करना है मेन, ये वाला ये चीज याद करने कि आपको जो है वो मेन प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, साइड बाय प्रोडक्ट तो मैंने आपको हिंट दे दिया। तो ये था हमारे पास थर्मोलिसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन की हीट की प्रेजेंस में कौन कौन सी रिएक्शंस जो है वो ब्रेक डाउन होती हैं। नेक्स्ट हम करते हैं फोटोलिसिस। फोटॉन्स सनलाइट, सनलाइट जो है वो फोटॉन्स की फॉर्म में होती है। तो फोटॉन्स के फॉर्म में डीकंपोजिशन कैसे होता है, इसके दो ही एग्जाम्पल है, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड को दे दो सनलाइट, सिल्वर ब्रोमाइड को दे दो सनलाइट, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग, सिल्वर अलग, ब्रोमीन अलग। तो ये बहुत इजी है, कभी भी सिल्वर का कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उसको सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिल्वर, और हमें मिलेगा क्लोरीन। ब्रोमीन गैस अलग हो गई, क्लोरीन गैस अलग हो गई, और इनको हम कहां यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर क्या यूज किया जाता है, ये वाली चीज यूज की जाती है, क्योंकि ये फोटोग्राफी के अंदर फोटोलिसिस रिएक्शन है, मींस ये फोटोन की वजह से ब्रेक डाउन हो रही है, दैट्स व्हाई हम इसको किसमें यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। लास्ट हमारा डीकम्पोजिशन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वॉटर। वॉटर को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस देते हैं, हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस दिया, इसके लिए आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी जब भी हम किसी चीज को देते हैं, हमने किसी चीज को ब्रेक डाउन करना है, तो हमारे को क्या चाहिए, एक बीकर चाहिए, हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है, उसमें हमने टू क्या कर दिए, रोड्स लगा दी, ठीक है, टू रोड्स लगाई, ग्रे पाइप की रोड होती है, इलेक्ट्रिसिटी हमें देनी है, तो यू नो अबाउट ग्रे पाइप रोड, ग्रेफाइट रोड होंगी, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर है, ये टू टेस्ट ट्यूब्स रख दी हमने पानी के अंदर, यहाँ पे हमने ग्रेफाइट रोड लगा दी, ये वाला जो पार्ट है वो एनोड है, दिस वन इज कैथोड, यहाँ पे स्विच लगा दिया, यहाँ हमने क्या कर दिया, बैटरी लगा दी। अब हम जब इसके अंदर स्विच को ऑन करते हैं, जब स्विच ऑन करेंगे तो जो ये वाटर है वो किसमें ब्रेक डाउन होगा, ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा, किस लिए होगा, आयंस की फॉर्म में, ये आयंस की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। H पॉजिटिव जो है वो कहां जाएगा, H पॉजिटिव नेगेटिव पोल पे जाएगा, OH नेगेटिव कहां जाएगा, पॉजिटिव पोल पे जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, जो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा, H पॉजिटिव H आपस में मिलके क्या बना देंगे, H2 गैस बना देंगे, ऑक्सीजन 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 मिलके क्या बना देंगे, ऑक्सीजन बना देंगे। मींस अगर हम वॉटर्स को आयन की फॉर्म में, हमें जब रिएक्शन करानी होती है तब हम उसको इस फॉर्म में ही यूज करते हैं, बट जब आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमें क्या मिलेगा, देखो ये हमारे को मिल रहा है हाइड्रोजन एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन एट द एनोड। तो H2, आपको एक चीज और बताऊं, हमने अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, हमने अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में किया कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड O2 गैस, जब हमने H2 और O2 को कंबाइन किया तो हमें क्या मिल रहा था, H2O मिल रहा था, बट अगर हम रिएक्शन करवाते हैं ना H2O की तो वो इस फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब ये जस्ट पॉजिटिव कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया कि वॉटर को हमने बनाया था तो हमने ये लिया था H2 प्लस O2 क्या बन रहा था, वॉटर बन रहा था। अब वाटर को वापस से हमें रिएक्टेंट्स चाहिए, जिस रिएक्टेंट से वो बना तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी दी,
इलेक्ट्रिसिटी दी तो हमें ऑक्सीजन कहाँ मिल गया एनोड पे और हाइड्रोजन हमें कहाँ मिला कैथोड पे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन हमें किस पोल पे मिलेगा। ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे मिलेगी और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे मिलेगी। ऐसा हुआ क्यों? इलेक्ट्रिसिटी हुई, हाइड्रोजन 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 के आयन अलग हो गए, ऑक्सीजन 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 के आयन अलग हो गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने मिलकर हाइड्रोजन गैस बना दी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ने मिलकर ऑक्सीजन गैस बना दी, और जो हमारे को दो है अलग से इन बीकर्स के अंदर अलग से गैसेस मिल जाएगी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। तो ये हमारा था डीकंपोजिशन रिएक्शन जो कि हमने थ्री टाइप से किया है, थर्मो, फोटो और इलेक्ट्रोलिसिस। होप आपको समझ आ गया होगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये वाले इसके आपको अलग से करने हैं एग्जांपल्स, इसके अलग करने हैं, इसके आपको अलग करने हैं। और डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमने क्या किया, एक चीज और याद करनी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंड और कॉम्बिनेशन क्या थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। अब देखो जो आता है नेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है, मींस कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन से डिफरेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस मींस उसकी जगह चेंज कर देना, हटा देना, ठीक है। कैसे हटा दिया? अब सपोज कि मैं यहां इस चेयर पे बैठी हूं, ठीक है, अब मेरे को अगर कोई छोटा बच्चा आके बोले जो मेरे से बहुत छोटा है, वो बोले कि आप खड़े हो जाओ, मैं बिल्कुल नहीं खड़ी होऊंगी, क्यों खड़ी हूँ, मेरी चेयर है। बट अगर मेरे से कोई बड़े, मेरे प्रिंसिपल, मेरे टीचर कोई भी मुझे आके बोलते हैं कि आप खड़े हो जाओ मुझे बैठना है, तो ऑब्वियसली मुझे खड़ा होना पड़ेगा, मैं उन्हें ये नहीं बोल सकती। हाँ मैनर्स नहीं है तो हम कुछ भी बोल दें, बट अगर हम बात करें कि नेचुरली जो हम बड़ों पर रिस्पेक्ट देते हैं उस वे में अगर बोल दें कि अगर कोई मुझे बोल रहे कि आप खड़े हो जो मुझे यहाँ बैठना है या ये मेरी सीट है, तो ऑब्वियसली मेरे से बड़े हैं, पोजीशन में मुझसे बड़े हैं, तो मैं अपने आप से खड़ी हो जाऊंगी और उनको यहाँ बैठने दूंगी। तो क्या हुआ, डिस्प्लेस, मेरी जगह चेंज हो गई। लाइक दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर कोई हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल के साथ आती है तो जो कम रिएक्टिव मेटल होती है वो अपने आप हट जाती है, उसकी जगह पे क्या आ जाती है, हाई रिएक्टिव मेटल आ जाती है। लाइक हमारे पास CuSO4 है, CuSO4 अगर आयरन की, अगर हम CuSO4 के अंदर, ये देखो आपको एक पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया है, टेस्ट ट्यूब है, थ्रेड है, सैंड है, ये सब हमने सेटअप कर दिया। ये जो है ना हमारे पास लिक्विड, दिस इज कॉपर सल्फेट CuSO4, हमने यहाँ से थ्रेड से आयरन नेल्स डाल दी, इसमें डिप कर दी आयरन। अब देखो क्या हुआ है, जो आयरन है ना इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये एक प्रिंसिपल है, ये इसका टीचर है बड़े, उन्होंने बोला हट जा, तो कॉपर को क्या हुआ, कुछ नहीं बोला कॉपर ने, चुपचाप कॉपर हट गया और उसकी जगह पे क्या आ गया, आयरन आ गया, और कॉपर क्या हो गया, बेचारा अलग हो गया। तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुई कि आयरन किसकी जगह पे आ गया, कॉपर की जगह पे आ गया, कॉपर हट गया। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि हाई रिएक्टिव जो है वो लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो आयरन नेल क्या हुआ, आयरन के ऊपर जो आयरन था उसके साथ क्या हो गया, SO4 ने रिएक्शन कर दी, कॉपर जो है वो अलग हो गया। बहुत सिंपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये देखो जब आयरन नेल अकेली आयरन थी तो वो इस फॉर्म में थी, जब आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जब हमने उसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से बाहर निकाला तो जो उसका कलर था वो ऐसा था, किस लिए, क्योंकि उसने SO4 के साथ रिएक्शन की है। आप अपनी लैब्स में भी कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हमने इस टेस्ट ट्यूब में लिया तो इसका डार्क ब्लू कलर था, जब हमने इसमें आयरन की नेल डाल दी और उसमें रिएक्शन हो गया, तो जब ये हमारे पास लास्ट बाद में हमने बीकर देखा तो टेस्ट ट्यूब देखा तो ये क्या था, बिल्कुल फेड कलर था, क्योंकि इसके अंदर से जो SO4 है वो क्या हो चुके, रिमूव हो चुके हैं, क्योंकि उसने किसके साथ रिएक्शन कर ली, आयरन की नेल्स के साथ रिएक्शन कर ली। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि आपके पास एग्जांपल्स है, एक तो ये एग्जांपल हो गया Zn, एक आपको ये चीज और याद रखनी है कि जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, एंड लेड इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर। बाकी हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स थर्ड चैप्टर करेंगे तो आपके पास एक सीरीज आ जाएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मोर रिएक्टिव है, कौन सी लेस रिएक्टिव है। अभी आपको ये दो रिएक्शन ही करनी है। लाइक लेड की अगर हम कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन लेड, लेड ने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। तो जिंक एंड लेड आर मोर एक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कंपाउंड। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ईजी है ना,
ये तो अब्डोमिन में कर दोगे क्या, ZnCuSO4PbCCUCl2। उसके बाद देखो इसके साथ रिसेंबल करती है नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में तो देखो आपके पास क्या हुआ, एक सिंगल बेचारा कॉपर ही इधर जा रहा है, कॉपर हट गया, उसकी जगह पे क्या आ गया, जिंक आ गया। बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों जगह से डिस्प्लेसमेंट होगी, दोनों जगह से ही होगी। दो एक रिएक्शन है लाइक हम Na2SO4 सोडियम सल्फेट और BaCl2 की बात करें तो क्या है, Na की टेंडेंसी है, Na जो है वो Cl2 के साथ रिएक्ट करना चाह रहा है। लाइक ये भी दो बेस्ट फ्रेंड है, ये भी दोनों बेस्ट फ्रेंड है, ये है Ab और ये है Cd है, तो ये दोनों मतलब टीचर्स के सामने तो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है या क्लास में ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, बट रियलिटी ये है कि जो A है वो C के साथ, A है जो वो D के साथ बॉन्ड बनाना चाह रहा है। मतलब आप एक चीज ये याद रख सकते हैं कि इसके आगे वाला एटम और इसका पीछे वाला एटम क्या कर रहे हैं, ए जो है वो पीछे पीछे जो है फोनों पे जो है वो सिर्फ डी से ही बात करता है, ठीक है, और जो बी है वो किसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, सी के साथ बनाना चाहता है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, अपने अपने फ्रेंड्स को चेंज कर रहे हैं, इसका फ्रेंड बी था बट इसने ये किसके साथ जाना चाहता है, सी के साथ, तो बोला चलो ठीक है डबल डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं, जो हम सबके सामने हैं वो भी यही फ्रेंड बन जाएंगे एडी और ये क्या बन जाएंगे बीसी बन जाएंगे। तो दोनों ही जगह से डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो Na आपको ये देखना आगे वाला एटम जो है, क्योंकि आगे और पीछे का क्यों बोला, इसका भी एक फैक्ट है, क्योंकि ये आगे वाला जो एटम होगा वो पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। पॉजिटिव और पॉजिटिव कभी तो आपस में बॉन्ड बना नहीं सकते, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसलिए जो ये Na है वो क्या करेगा, इस Cl के साथ बॉन्ड बना देगा, NaCl हो गया, Ba जो है वो SO4 के साथ बना देगा, BaSO4 हो गया। तो दोनों जगह से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गई, दोनों ने अपनी अपनी जगह डिस्प्लेस कर दी, SO4 की जगह पे Cl आ गया और Ba की जगह पे क्या आ गया, Cl की जगह पे क्या आ गया, SO4 आ गया। मीन सब आपस में क्या हो गए, चेंज हो गए। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और एक चीज और, अब जो BaSO4 है वो हमें किस फॉर्म में मिलेगा अगर हम रिएक्शन करते हैं, तो देखो ये NaCl है और जो बेरियम सल्फेट होगा वो वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा। इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बेरियम सल्फेट जो है वो किस टाइप का होता है, तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है और वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। तो ये आपकी थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि आपको सिंगल यही एग्जाम्पल करना है और एग्जाम्पल नहीं करनी है, ये पता होना चाहिए कि जो बेरियम सल्फेट है वो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। अब हम आते हैं अपनी लास्ट इक्वेशन पर, कंबशन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन हमने क्या किया, जला दिया। जब हम किसी चीज को जलाते हैं, अभी हमने किया था रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि CH4 को जब हम बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है, या किसी भी चीज को अगर आप जलाओगे, पेपर को भी आप जलाओगे तो आपको ऐश मिलेगी, उसमें से थोड़ा सा धुआं निकलेगा, CO2 मिलेगी, लाइट मिलेगी। तो मोस्टली हम क्या करेंगे, जब भी हम नेचुरल गैस को बर्न कर रहे हैं या कार्बन को बर्न कर रहे हैं तो आपको मिलेगा CO2 वाटर प्लस में हीट प्लस में हमें मिलेगी लाइट। ओके, ये हमारे पास लाइक फ्यूल है, ये बर्न कर रहा है, हीट मिल रही है और ऑक्सीजन ये ले रहा है, तो ये कंबशन रिएक्शन है। कंबशन रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी सिंपल रिएक्शन। आपके पास कोई भी चीज है, आपने उसको बर्न करनी है, आपके पास चाहे ग्लूकोज है, चाहे आपके पास मीथेन है, चाहे आपके पास कार्बन है, कोई भी चीज है, जब वो जली गई तो वो राख ही बन जाएगी ना, तो वो क्या हुआ, हमारे को जो रिएक्शन करनी है वो ये करनी है, हमें CO2 मिलेगा, वाटर मिलेगा, और ये बैलेंस्ड की फॉर्म में बता रखी है कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम जो है वो इक्वल है। तो ये थी हमारी 5 रिएक्शंस जो कि हमने अभी की है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। मुझे लगता है ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर आप अच्छे से करते हैं तो बड़ा मजा आता है करने में रिएक्शंस को, बहुत इजी भी है। लास्ट में अब देखो कि कंबशन रिएक्शन के ही हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, या हमारे डेली लाइफ में जो यूज होने वाले हैं उसी के बारे में हमें कुछ बताया है। ऑक्सीडेशन, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपकी रिएक्शन से अलग बिल्कुल डिफरेंट है, बट 2 आपके पास टर्म्स है, एक रिडक्शन करना है, एक ऑक्सीडेशन करना है आपको, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है।
इम्पोर्टेंट ऐसे है, अगर आप इसमें अब अच्छे से कर लेते हो ना टेंथ में, तो आपका एक तो इलेवेंथ में पूरा चैप्टर आता है रेडॉक्स सिलेक्शन के फॉर्म में, ये आता होगा तभी आप इलेवेंथ में कर पाओगे, नहीं तो बिल्कुल ऊपर से जाएगा, कुछ नहीं समझ आएगा। और वैसे भी ये यूजफुल है, इम्पोर्टेंट भी है। तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है, मैं आपको यहाँ अलग से बताती हूँ एक बार। ऑक्सीडेशन का क्या मीनिंग है, ऑक्सीजन का एड होना। ऑक्सीडेशन मीन्स नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। और रिडक्शन का क्या मीनिंग है, रिडक्शन मीन्स इससे अपोजिट, हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का क्या होना, रिमूव होना। बस ये दो चीजें याद करनी है आपको, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन ऐड हाइड्रोजन रिमूव, रिडक्शन मीन्स और हाइड्रोजन ऐड ऑक्सीजन रिमूव। तो ये देखो, ये आपको अलग से एक एग्जांपल करना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन के लिए क्या है, कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी तो क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। जरूरी नहीं है आपको यही करना है, कोई भी कर सकते हो। मैग्नीशियम की हमने सबसे पहले एग्जांपल किया था, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और वाटर, वाटर बनाया था H2+ में O2 किया, क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। एनीथिंग, कोई भी रिएक्शन हो जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, वो हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। या किसी में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वो भी हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये रिएक्शन आपको याद करनी है, याद करने की जरूरत नहीं है, जिसने पूरा चैप्टर अच्छे से कर लिया तो उसके लिए ऑक्सीडेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। कैल्शियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, क्या बना दिया, CaO बना दिया, ये भी हमारे पास एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट वन इज हमारे पास रिडक्शन, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है और ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। एग्जाम्पल H2 और F2 क्या बना रहे हैं, 2HF बना रहे हैं। और इसमें आप वाटर का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ये ऑक्सीडेशन का भी एग्जाम्पल है, रिडक्शन का भी है, क्या बना रहे हैं, 2H2O। अब इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड भी हो रही है, तो ये एक रिडक्शन का भी एग्जाम्पल है और ये ऑक्सीडेशन का भी एग्जाम्पल है। तो रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन क्या होती है, रिमूव होती है, ठीक है। अब जो आने वाला है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन, रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का क्या मीनिंग है, आपके पास ऑक्सीडेशन नहीं पूछा जाएगा, आपसे रिडक्शन नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, RE मींस होता है रिडक्शन, RED मींस होता है रिडक्शन, OX मींस होता है ऑक्सीडेशन, ओके। एंड द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। नेम से इंडिकेट हो रहा है कि जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब ये एग्जांपल ले लो, देखो ZnO है और कार्बन है, प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, ये वाले कार्बन से बन रहा है CO, मींस इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अब ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। एंड ZnO से क्या बन रहा है, Zn बन रहा है, मींस इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। तो आपको ऐसे ही देखना है कि किसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, किसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो ये चीजें आपको एक बार मुश्किल लगेंगी, बस एक बार, उसके बाद बहुत इजी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी सी मुश्किल, लास्ट, बस ये लास्ट है। ऑक्सीडेशन हमने कर लिया, देखो क्या है, ऑक्सीडेशन अभी किया, ऑक्सीजन ऐड, हाइड्रोजन रिमूव, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया रिडक्शन, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड, ऑक्सीजन रिमूव। रेडॉक्स क्या है, जिसमें ये दोनों होते हैं। अब हमारे पास एक चीज आएगा कि ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, या आप इसको ये नेम मत लर्न करो, आप ये करो कि रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये टू टर्म्स आपके पास जो है वो आएंगे। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, अब जो भी कोई कंपनी लेता है, चाहे किसने वोडाफोन की ले ली, एयरटेल की ले ली, BSNL की ले ली, तो हम उसको उसका एजेंट बोलते हैं। लाइक एयरटेल, सपोज मैं एयरटेल की एजेंट हूँ,
मैं एयरटेल की अगर एजेंट हूं तो मैं क्या प्रोवाइड करूंगी? मैं ऑब्वियसली मैं एयरटेल का सिम कार्ड ही प्रोवाइड करूंगी ना। तो लाइक दिस, जैसे हम इसकी बात करें कि हमारे पास ये ZNO है, ZNO ने क्या प्रोवाइड किया है इस सेक्शन के अंदर, ध्यान से समझना ये चीज। ZNO ने क्या प्रोवाइड किया है कि इसकी रिडक्शन हुई है? ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है ना। अगर ये ऑक्सीजन नहीं देता तो इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। तो ये ऑक्सीजन दे रहा है तभी इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ना। देखो एक बार दोबारा ध्यान से समझो कि ZNO के पास ऑक्सीजन है, लाइक ये एयरटेल का सिम कार्ड है, अपना सिम कार्ड दे रहा है तभी मेरा एजेंट बना ना। वैसे ही ये ऑक्सीजन दे रहा है इसको तभी तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है ना। तो ये ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करा रहा है तो हम ZNO को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, क्योंकि इसने ऑक्सीजन दी है। ठीक है, अब इसने क्या किया है, जो ZN है, ZN ने क्या किया है, सॉरी इस कार्बन की बात करते हैं। अब इस कार्बन ने ऑक्सीजन ली है तभी करके हुआ, या फिर आप इस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही करो, वो मत करो, वो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताती हूँ। ZNO को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसने अपनी ऑक्सीजन दी है तभी ऑक्सीडेशन हुई है। लाइक कोई एजेंट अगर हमें सिम कार्ड देता है, एयरटेल का सिम कार्ड दे रहा है तो हम उसको एयरटेल का एजेंट बोलेंगे, वोडाफोन का है तो हम उसको वोडाफोन के एजेंट बोलेंगे, BSNL का है तो BSNL के एजेंट बोलेंगे। लाइक दिस, जो ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है तभी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो हम इसको कौन सा एजेंट बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अगर ये ऑक्सीजन नहीं देता तो उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। एक अभी तो मैंने आपको समझाती, अब है ट्रिक, जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये आपको ट्रिक बताई है, होगा ऑलवेज ऐसे, बट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो इस कार्बन को हमने रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोला? अब देखो रिड्यूसिंग मींस क्या होगा, रिडक्शन मींस क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है या हाइड्रोजन को ऐड करता है। अब अगर ये कार्बन इससे ऑक्सीजन लेता ही नहीं तो क्या इसकी रिडक्शन हो जाती? ZNO की रिडक्शन करने में हेल्प इस कार्बन ने भी तो की है ना, उसने अपनी ऑक्सीजन देके उसकी ऑक्सीडेशन करवाई है। बट अगर वो बोले कि मैं ऑक्सीजन लेता ही नहीं तो क्या इसकी रिडक्शन हो जाती? नहीं होती ना। तो वैसे ही जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उससे अपोजिट होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा और ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिडॉक्स रिएक्शन। होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपके पास एग्जाम्पल है जस्ट कि CuO ने अगर H2 के साथ रिएक्शन की, देखो इसका ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ये बन गया H2O, इसका ये CO हो गया, इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, इसमें रिडक्शन हो रही है। अभी मैंने आपको अच्छे से करवा दिया, सेम है, पांच छह इसके एग्जांपल्स करके देखो रिडॉक्स में कैसे हो रही है, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो इसकी रिडक्शन हो रही है तो हम इसको बोलेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा होगा? रिएक्टेंट वाला, ये होगा ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपसे स्पेशल पूछा जाता है कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारा था रेडॉक्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर 10th क्लास, 11th क्लास। आप 10th में करोगे तो आपको आगे इजी लगेगी, नहीं तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी। अब जो डेली लाइफ में हमारी ऑक्सीडेशन यूज होने वाली है वो है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये 2 पॉइंट्स है जो कि मैं आपको इसका भी डीपली करवाऊंगी, बट ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि आज के लिए मुझे लगता है आप बहुत हो गया, इतना कर लो, बहुत है, इतना गेन कर लो। रिएक्शंस को लिख के देखना और रेडॉक्स रिएक्शंस के एग्जांपल्स करके देखना। नहीं समझ आता, कहीं पे कोई पॉइंट की प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट सेशन में बताना, मैं आपको दोबारा जरूर कराऊंगी। और अगर आपको मेरा अच्छा लगा है पढ़ाने का वे, मेरे टॉपिक्स आपको समझ आया है, तो मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अकेले भी कर रहे हो, बट ज्ञान को जितना बांटो उतना बढ़ता है, आपका ही फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा, मेरा फायदा ही होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप अगर लाइक करते हैं, शेयर और कमेंट करते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे सिर्फ जस्ट हमारा, हमें अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन होता है कि बच्चों को समझ आया, हम कुछ और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना,
और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को ताकि जब भी कोई नई वीडियो डले तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।